नमस्कार भाइयों, आज हम आए हैं यहाँ ये कसाना एग्रो इंडस्ट्रीज में। यहाँ पर ये लोडर जो हैं, ट्रैक्टरों पे लोडर वगैरह सभी किस्म के लगाए जाते हैं। ये देख सकते हैं आप, नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। आप बताएं यहाँ पर ये लोडर वगैरह के बारे में सभी कुछ, जो भी। विक्रांत कुमार, कसाना एग्रो इंडस्ट्रीज से, और जोगिंदर चौधरी जी, आपका भी बड़ा बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ कि आप किसान ऊर्जा चैनल से हमारे पास आए जी। तो किसान भाइयों, हम जो है कसाना एग्रो इंडस्ट्रीज लोडर्स में डील करती है, आपके मिनी कंपोस्ट लोडर से लेके और विभिन्न प्रकार के जो लकड़ी भरने के लोडर, भूसा भरने के लोडर, विभिन्न प्रकार के जो भी खेती में आ सकते हैं, और जो बिल्डिंग मटेरियल के लोडर सभी प्रकार के बनाए जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपके छोटे ट्रैक्टर हों उनके लिए भी हमारे पास में बहुत सारे डिजाइंस में, मॉडल्स में लोडर हैं। इसमें 4 जेक भी है, 6 जेक भी है, 2 जेक भी है, 1 जेक भी, और बिना जेक भी, सभी प्रकार के हैं जी। जी, ऐसे जो बड़े ट्रैक्टर हैं उनके लिए भी हमारे पास है। अभी मैं किसान भाई, जैसे कि मैं बता रहा था कि हमारे पास विभिन्न प्रकार के लोडर हैं। आप देख सकते हैं एकदम A1 क्लास क्वालिटी के अंदर हमारी पिन सिस्टम आप देख लीजिए, और जो फाउंडेशन जो हम क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, तो एकदम मजबूत बनाते हैं, जिससे कि आपके ट्रैक्टर पे पूरा सामान तौर पर लोड पड़े। आपका जो ट्रैक्टर के जो आगे का एक्सेल है या पीछे का एक्सेल है, वो सब खराबी नहीं आएगी। आप देख सकते हैं ऐसी हर ट्रैक्टर के अलग मॉडल में है। इसमें इस प्रकार की एक इंच मोटी शीट लगाकर हमने इस लोडर में लगाया। ये जो शीट लगाते हैं, ये 1 इंच मोटी लगाते हैं, और बूस्ट और वेट बॉक्स है हमारे पास। किसी का छोटा वेट बॉक्स है, बड़ा वेट बॉक्स है, और वेट बॉक्स जो लगाने का तरीका वो ये है कि आपका लोडर की जितनी क्षमता है आगे से उठाने की, उतनी ही क्षमता का आपका पीछे का वेट बॉक्स होना चाहिए, नहीं तो आपका ट्रैक्टर ढाल नहीं चले। तो हमारे यहाँ जितना भी काम होता है, सभी टेक्निकल काम यहाँ आपको मिले जी, एकदम से आधुनिक, जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगी वही टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं। चलो, इनके बारे में बताएं सर। किसान भाइयों, जैसे कि आप देख सकते हैं ये कंपोस्ट लोडर है जी, खाद भरने वाला लोडर जी। अब किसान भाई जो है, अब उसको ऐसे समझ सकते हैं, ये किसानों का फावड़ा है। जैसे किसान अपने फावड़े से सारे काम कर सकता है, उसी प्रकार आप अपने ट्रैक्टर में लगाकर इससे आप खाद, मिट्टी वगैरह कुछ भी भर सकते हैं। भट्टे के लिए बहुत ही उपयोगी चीज है, पीछे बस हाइड्रोलिक में लगाना है अपना लीवर, जैसे टॉपलिंग में जो है कल्टीवेटर जुड़ जाता है, थ्री लिंक सिस्टम है इसका, और अपनी हाइड्रोलिक ऊपर कीजिए और अपना ऊपर उठाइए, और 9.5 फीट तक आप कुछ भी सामान डाल सकते हैं, और 2.5 क्विंटल से लेकर 5 क्विंटल की कैपेसिटी तक हम ये बना सकते हैं। हाँ जी, रेट क्या होगा इनका कुछ? इनका रेट जो है वो 15,000 से शुरू है और 18,000 तक आता है जी। जी, आप देख सकते हैं कि हमारा जो भी वर्क होगा वो पूरा शीट के द्वारा बनाया गया होगा। हमारी पास प्रेस मशीन है, इनसे जो है अपनी शीट माउंट करके विभिन्न प्रकार का आकार दे सकते हैं। देख सकते हैं किसान भाई, आप काम होता हुआ भी ये देख सकते हैं, ये 4 जैक वाला है बकेट। आप पेंट कैसे करते हो सर? पेंट कैसे करते हो? हमारे पास पाउडर कोटिंग प्लांट है, आप देख सकते हैं। ये जो है हीटिंग चैम्बर है और वो पेंटिंग चैम्बर है। पेंटिंग चैम्बर से निकल के आप हीटिंग चैम्बर में आएगा, और यहाँ से हम उसको एक प्रॉपर टेम्परेचर पे उसको पका के पेंट को ओके करते हैं जी। जी, ये देख सकते हैं किसान भाई आप, और जो हमारी जो वेल्डिंग की मशीन है वो सभी मिग वेल्ड में, मिग वेल्डिंग सभी मिग वेल्डिंग रहेगी, और
कटर जो है वो प्लाज्मा कटर रहेगा या फिर सीएनसी कटिंग रहेगी। ये देख सकते हैं भाइयों आप लोग, लोडर वगैरह जो भी कुछ आपको यहाँ लगवाना हो आप वो लगा सकते हैं कसाना इंडस्ट्रीज में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए। नमस्कार भाइयों।